चमरामुड़ पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर नियमितकरण की मांग को लेकर मनरेगा संविदा कार्मिकों का कार्य बहिष्कार व धरना जारी। चमरामुड़ जयपुर नियमितकरण सहित अन्य मांगों को लेकर मनरेगा संविदा कार्मिकों का कार्य बहिष्कार एवं पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर धरना 5 मई 2022 को अनवरत जारी है। मनरेगा संविदा कार्मिक संघ अध्यक्ष शिवचरण शर्मा ने बताया कि मनरेगा संविदा कार्मिकों की मुख्य मांग है नियमितकरण। उन्होंने बताया कि सरकार से LDC भर्ती 2013 को पूर्ण करवाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने 5 मार्च 2019 को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कैलेंडर जारी किया था, लेकिन उस समय लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण प्रक्रिया उधर अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जून 2021 में 4000 पद भरने की घोषणा की थी, जो आज तक लागू नहीं हो पाई है, जिससे मनरेगा कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मनरेगा संविदा कार्मिकों की हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इस समय ग्राम पंचायत भूज बिलौद दंतला मीना गोपालगढ़ बुरानपुरा रूपा सामरेट कला एवं टोडा मीना में मनरेगा श्रमिकों की संख्या शून्य है। हड़ताल के कारण जवरामगढ़ पंचायत समिति में राजीव गांधी सेवा केंद्र भी सूना पड़ा है। मनरेगा संविदा कार्मिक संघ अध्यक्ष शिवचरण शर्मा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर जमारामगढ़ संविदा कार्मिक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक गोपाल मीणा को ज्ञापन सौंपा है।